एल्विश यादव इस वक्त काफी मुसीबत में फंसे हुए हैं। एल्विश यादव के फैंस उनकी इस मुसीबत से निकलने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें और एल्विश यादव को इस बात का पूरा भरोसा है कि भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और जब कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या ही बात है। भाई एल्विश यादव इन दिनों अपने स्नेक क्राइम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे में फैंस लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में उनके पापा का रिएक्शन सामने आया था, जिसके बाद अब हर किसी को उनकी मम्मी के रिएक्शन का इंतजार था। उनकी मम्मी जो अक्सर उनके व्लॉग्स में देखी जाती हैं, एल्विश यादव का एक खास ही नाता देखा जाता है उनके साथ। एल्विश यादव कितने ज्यादा फ्रेंडली हैं अपनी मम्मी के साथ और उनकी मम्मी किस तरह उन पर जान छिड़कती हैं, ये अक्सर हम उनके व्लॉग्स में देखते रहते हैं। जब भी एल्विश यादव अपने घर होते हैं तो उन्हें अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। ऐसे में उनके पापा का रिएक्शन तो सामने आ गया, लेकिन फैंस को इंतजार था उनकी मम्मी के रिएक्शन का। भाई पहले बात करें एल्विश यादव के फादर के रिएक्शन का, तो काफी सारे इंटरव्यूज में उनका कहना ये रहा कि भाई उनके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस वजह से उन्हें इस बात से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हैरानी की बात यह है कि अभी 2 महीने पहले ही आप सभी लोग हमारे घर आए थे और उस वक्त आप एल्विश की वाहवाही करने और उसके तारीफें करने के लिए यहाँ एकजुट हुए थे, लेकिन अब इस तरह से एक इल्जाम को लेकर यहाँ आना उनके लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। आपको बता दें एल्विश यादव भी अपने कई सारे वीडियोज और व्लॉग्स में यही कहते आए हैं कि उनकी नाराजगी खासकर मीडिया से है, क्योंकि मीडिया ने उनकी बात को आधा अधूरा सच बता दिया। मीडिया ने कई सारी बातों को अपने ही हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया, जिसके बाद वो अपने आप ही कंक्लूजन पे भी आ गए, जो काफी ज्यादा गलत है। यही उनके पापा का कहना था और यही बात एल्विश यादव ने कही। इसके बाद बात करें उनकी मम्मी की, तो भाई उनकी मम्मी के रिएक्शन का सभी को वेट है। उनकी मम्मी वैसे हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करती नजर आती हैं। आपको बता दें कि एल्विश यादव कई बार ये कहते नजर आए हैं कि उनकी मम्मी अक्सर उनकी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डाल दिया करती थी। जब वो छोटे थे तो उनके पापा उनको अक्सर डांटा करते थे शैतानियों के लिए, लेकिन उनकी मम्मी ऐसा नहीं करती थी। यही बात फैंस को उनकी मम्मी की याद दिला रही है कि भाई जब इतना बड़ा मामला उनके बेटे पर सामने आया तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा, उन्होंने किस तरह से इस बात को झेला होगा, उन्होंने किस तरह से अपने बेटे पर लगे आरोपों को सुना होगा। आपको बता दें कि एल्विश यादव पर काफी संगीन आरोप लगाए गए, जिसके बाद उनके पापा तो काफी हैरान थे लेकिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दिए। भाई गलती नहीं तो किस तरह का डर, और यही बात उनकी मम्मी की तरफ से भी सामने आ रही है। एज पर द रिपोर्ट्स उनकी मम्मी भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा श्योर है कि उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। इसके अलावा बात करें उनकी मम्मी की, तो उनकी मम्मी अक्सर ये बात बोलती नजर आती हैं कि उनका नाता उनके बेटे से जो है वो कोई भी नहीं समझ सकता। और यही बात है कि एल्विश यादव को शायद अपनी मम्मी को ये बात समझानी भी ना पड़ी हो कि वो गलत है या नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी को पता ही होगा कि उन्होंने अपने बेटे को क्या परवरिश दी है। इसके अलावा बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव इस वक्त अपने काम में बिजी है, लेकिन हाँ अपने फैंस के साथ अपने व्लॉग्स और वीडियोज के जरिए जुड़े रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपका क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।